दोस्तों, मशहूर पंजाबी सिंगर दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की शोहरत ही कुछ ऐसी है कि मात्र 28 साल की छोटी उम्र में वे दुनिया से अलविदा होने से पहले अपनी एक नई पहचान कायम कर चुके थे। उनकी शोहरत ही कुछ ऐसी रही कि वे आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। देश हो या विदेश, उन्हें हर जगह इतना प्यार मिला जिससे पहले शायद ही किसी भारतीय सेलिब्रिटी को मिला हो, मगर वह इस प्यार के लायक भी थे। आपको बता दें, उनका निजी व्यक्तित्व इतना शानदार रहा कि हर व्यक्ति मुरीद हो जाए। वह किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि वे अक्सर खेतों में ट्रैक्टर चलाते, खेती बाड़ी व बुआई करते नजर आते थे। आइए बताते हैं उनके निजी जीवन से जुड़े कुछ महान कार्य। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है। उनका अपने गाँव से इतना जुड़ाव रहा कि उन्होंने गाँव के नाम मूसा को अपने नाम के साथ जोड़कर सिद्धू मूसेवाला कर लिया और वह इसी नाम से देश विदेश में शो किया करते थे। सिद्धू की मौत को लगभग एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर अभी तक उनके चाहने वाले उनकी मौत के गम से उभर नहीं पाए। सिद्धू अपनी मिट्टी व पिंड से ही कुछ ऐसा जुड़ाव रहा कि वह इससे अलग नहीं हो पाए। उनके गानों में भी उनके गांव व मिट्टी की रूहानियत दिखाई देती है। सिद्धू अक्सर अपना खाली समय बच्चों व तमाम लोगों के साथ बिताया करते थे। वे अपने गांव के लोगों के साथ गपशप किया करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान खोजते थे व तमाम जरूरतों के कार्यों में हमेशा आगे रहा करते थे। इतनी शोहरत, इतनी बुलंदियां हासिल करने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाँव से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया, बल्कि वे वहीं रहा करते थे। उन्हें अक्सर खाली समय में खेतों में ट्रैक्टर चलाती, खेती बुआई आदि तमाम कार्य करते हुए देखा जा सकता है। वह किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, जबकि खेती बाड़ी ये तमाम कार्य एक मजदूर के हुआ करते हैं, मगर उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि वे हर काम में लगे रहते थे। ये नहीं सोचते थे कि मैं आज इतना बड़ा व्यक्ति होकर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि वह सोचते थे कि मैं इसी मिट्टी से निकला हूँ, यही मेरा असल है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सब लोग इंसान और हर काम इंसान के लिए बना है, कोई काम इंसान के लिए छोटा बड़ा नहीं होता। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं, उसमें जरूर अपने काम को लेकर घमंड होता है। ऐसे में उनके इस निजी व्यक्तित्व को देख लोग ज्यादा उनसे करीब होते चले गए। अभी तो आज उनके गांव पिंड वाले लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनकी समाधि पर लोग हजारों की तादाद में लोगों का तांता लगा रहता है। लोग उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं मानते थे। सिद्धू काफी खुले दिल, मिलनसार गुणों के मालिक थे। ऐसे ही लोग उन पर अपना प्यार न्यौछावर नहीं कर, बल्कि वे इस प्यार के लायक भी थे। दोस्तों, सिद्धू अपने निजी जीवन में किए तमाम कार्यों को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं समझते थे। इस महानतम व्यक्तित्व पर आपकी क्या राय है? ऐसा व्यक्तित्व का धनी होना आसान बात है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।